आज हम करेला दो प्याज़ा बनाएंगे। करेले को हमने नमक डाल के काट कर रख दिया है ताकि इसका कड़वापन दूर हो जाए। इस तरह गरम तेल में हम करेलों को तल लेंगे। इस तरह हमारे करेले पक गए हैं, तल चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हम करेला दो प्याज़ा बना रहे हैं तो प्याज को हमने इस तरह से काट लिया। अब हम इन्हें भी तेल में तल लेंगे। उधर हमारे प्याज तल रहे हैं, हम इसमें प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और टमाटर को ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए हमने बारीक ग्रेट कर लिया है। अब हम ये प्याज तला गए हैं, अब इनको हम सुनहरी होने तक फिर हम ये मसाला डाल देंगे। अब हम ये किसा हुआ सब डाल देंगे तेल में। ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है और अब ये तेल छोड़ने लग गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। अब हम इसमें हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे मसाले में तले हुए करेले और फ्राई करे हुए प्याज, इनको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम गुड़ डालेंगे। थोड़ा खट्टा मीठा होगा तो अच्छा लगेगा। हमारे करेले दो प्याज़ा बनके तैयार है। थैंक यू।